रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की गुंडाई अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। आए दिनों मरीजों, तीमारदारों एवं पत्रकारों के साथ मारपीट करना एवं धमकाना जूनियर डॉक्टरों का पेशा बन गया है। अक्सर मारपीट करने और दुर्घटना में मरीज के कटे पैर को तकिया बनाने के मामले में दो दिन पूर्व एक मरीज का इलाज के दौरान ऑक्सीजन पाइप हटा देने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो गई। जब मृतक सागर पांडे के तीमारदारों ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो जूनियर डॉक्टर आपे से बाहर होकर मृतक के तीमारदारों से लड़ाई पर आमादा हो गए और वह मारपीट करनी शुरू कर दी। आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज के आकस्मिक विभाग में जूनियर डॉक्टर इकट्ठा हो गए और दर्जनों डॉक्टरों ने मृतक के परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें गर्भवती महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने जब पुलिस चौकी में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की तो घटना की जांच का हवाला देकर चलता कर दिया। कहां पे किया था रेफर? मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज में दंगा फसाद हो रहा, लड़ाई भड़ाई हो रहा है। उनने हमने कहता, उनने फंस जा ले मेरे सब खेत जानते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन खेत जानता हूँ। फिर वे सब ने गेट लगा के सबने मारा। उन्होंने कितने लोगों को मारा? आठ दस लोग होंगे। हम लोग सबको बोलने लगे। मैंने कहा सर बोले हटो यहाँ से, यहाँ आते हो सर सर करते। जब मैंने एक मिनट कह दिया कि उसको ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैंने कहा चल तो रहा, दौड़ा लिया। एक वो बोली सिस्टर मुँह मत चला, बाहर निकल जैसे निकालो बाहर निकालो। मैंने कहा मेरे बेटा जिंदगी मौत से लड़ रहा हो, तुम चलिए बाहर निकालो। एक बोली जरा मुँह मत चला सुबह सुबह, मैं कही तुम देखो मेरे बेटा मौत से लड़ रहा हो, तुम करेंगे बाहर निकालो। सो फिर सब डॉक्टर आ गए। सब डॉक्टर ने देखो मेरा मंगलसूत्र छीन ला, मेरे बेटा को देखो कैसे मारा मेरे बेटा। आपकी चोटे कैसे आ रही है? वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठ गए और काम बंद कर दिया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीजों ने तो मेडिकल कॉलेज में इलाज न मिलने से जिला चिकित्सालय की तरफ इलाज का रुख किया। आपको बता दें कि जब मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे तो मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर हरीशचंद आर ने मृतक के पीड़ित तीमारदारों के खिलाफ ही कई धाराओं में मुकदमा लिखा दिया, जिसे नवाबाद पुलिस ने बिना जांच के बखूबी लिख लिया। तब डॉक्टर काम पर लौटे। डॉक्टरों की गुंडाई को देखते हुए आज झांसी के इलाइट चौक पर पत्रकार सुल्तान आब्दी ने पीड़ितों एवं मृतक को न्याय दिलाने हेतु आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक मृतक एवं पीड़ित परिवारजन को न्याय न मिल जाए। न्याय के लिए आमरण अनशन को देखते हुए भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन झांसी ने भी समर्थन देने की घोषणा की एवं अनशन स्थल पर पहुंचे। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डॉक्टरों द्वारा किए गए कृत्य की घोर निंदा की। एसोसिएशन से शामिल पवन गुप्ता, कुणाल सिंगल, मोनू राय, संजीव अग्रवाल, आकाश कुलशेष, राजू कुशवाहा, आलोक अग्रवाल, मोहम्मद गुफरान, नरेश बुंदेला आदि ने अनशन को तेज करने एवं पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद की। न्याय की लड़ाई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि और भी संगठन आए और इसमें सहयोग करें, क्योंकि एक अच्छी लड़ाई है। हम तो ये चाहते हैं कि सब लोगों को आना चाहिए और ये जूनियर डॉक्टरों की जो गुंडाई है इस पर लगाम लगनी चाहिए। ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि जो जमींदार पिटता है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।